इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे सब फाइलम हेक्सोपोर्स के अंदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑसिलाई को इंसेक्ट्स में कंपाउंड आइज मौजूद हैं कंपाउंड आइज जो हैं वो ऑसिलाई पे मुश्तमिल होती हैं और हर ऑसिलाई जो है वो रिसेप्टर सेल्स से मिलकर बना होगा रिसेप्टर सेल्स जो हैं ये लाइट वेव्स को परसीव करते हैं और इनकी इमेज़ जो है वह फिर इंसेक्ट्स को नजर आती हैं अब ओसिलई जो है नॉर्मली दे कंसिस्ट ऑफ 500 to टू वन थाउजेंड ओसीला सेल्स अब ये रिसेप्टर सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं ये रिसेप्टर सेल्स जो हैं दे आर नॉर्मली beneath the cuticular lenses अब ओसीलाई जो हैं क्योंकि ये आ, लाइट आ, इनका वी के साथ ताल्लुक है साइट के साथ ताल्लुक है तो इनके लिए जो लाइट वेव्स हैं वो ज़रूरी हैं अब ओसिलाई जो है दे आर नॉर्मली सेंसिटिव टू द चेंजेस इन द लाइट इंटेंसिटी एंड दे आर आल्सो इम्पॉर्टेंट इन द रेगुलेशन ऑफ डेली रिदम्स ओसिलाई जिसका सिंगुलर है उसको हम ओसिलस कहेंगे क्योंकि ये लाइट से रिस्पॉन्ड करते हैं तो ऐसे रिसेप्टर्स को हम कहेंगे फोटो रिसेप्टर्स फोटो रिसेप्टर्स का मतलब है लाइट डिटेक्टिंग ऑर्गेन्स ये जो है कंसिस्ट करते हैं लेंस पे और सेवरल सेंसरी सेल्स पर अब कंपाउंड आइज जो हैं उनके सम ऑफ देयर एक्शंस दे आर नॉट लाइक टू दैट ऑफ द कंपाउंड आइज अब अनलाइक कंपाउंड आइज ओसीलाई जो है दे नॉर्मली डू नॉट फॉर्म द कंप्लेक्स इमेज जबकि कंपाउंड आइज जो हैं दे फॉर्म कंप्लेक्स इमेज बट दे आर ओनली यूज टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द इंसेक्ट्स एक सजेशन ये भी है जिसके अंदर ये भी कहा जा सकता है आफ्टर मैनी एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट जोलॉजिस्ट देर आल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट द ओसिलय दे आर समाइम्स कंसर्न विद द वे लाइट एंड इंसेक्ट्स दे आर गुड एट फ्लाइंग टेंड टू हैव वेल डेवेलप्ड ओसिलई This is the structure of ocellus present in the this is insect. This is its compound eye. This is its ocellus. This is a structure that is normally responding to the light waves to the receptors and it detects the light and then responds according to the intensity of light and does not form the complex image. But it guides the insects during the way it is flying.